गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रही है 6:30 AM और जस्ट अभी सो के उठी हूँ और मेरी मॉर्निंग होती है एक ग्लास ल्यूकवार्म वाटर से, एक या दो ग्लास। पहले मम्मी ज़बरदस्ती पिलाती थी, अब हैबिट हो चुकी है बिकॉज इट्स अ गुड फॉर हेल्थ और मुझे अच्छा लगता है इसे पी के। रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आ जाती है सुबह उठ के, तो आराम से बैठ के इसे पी रही हूँ। इसी तरीके से मेरा रूटीन होता है सुबह का। उसके बाद मैं रात में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भिगो देती हूँ प्रीशा के लिए, पापा के लिए, मम्मी और सब ले लेते हैं। दो दो चार 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 आमंड्स मैं लेती हूँ, दो मैं इसमें से काजू ले लेती हूँ और प्रीशा के लिए मैं अलग से आमंड के साथ उसके लिए मुनक्का मैं भिगाती हूँ, किसी ने सजेस्ट किया था कि वो अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। ठीक है, सो अभी रेडी हो रही हूँ मैं प्रीशा के स्कूल जाने के लिए क्योंकि आज उसका PTM है, हाफ एली का उसका रिजल्ट आने वाला है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। अभी है मॉर्निंग टाइम और आज तो हमारी वॉच लगने वाली है क्योंकि आज है प्रीशा की PTM यानी पेरेंट्स मीटिंग। उसके हाफ एली एग्ज़ाम हुए थे, उसका रिजल्ट आ जाना है। तो जो भी उसके यू नो यूटीज़ वगैरह होते हैं, आज बारिश हो रही है, प्रीशा को भी साथ में लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हाँ, किधर जा रहे हो? स्कूल। आज आपका रिजल्ट आने वाला है बच्चा, अगर मैम ने कुछ बोला तो देख लो। एक्साइटेड हो? तुम्हें क्या लगता है नन्नू ने अच्छा किया होगा? थोड़ा बहुत तो कर ही होगा। चल, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो पहले स्कूल में जाते हैं, बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो सारी चीज़ें, और अगर अच्छा नहीं किया होगा तो मैम वॉच लगाएगी हमारी, तो फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ठीक है, जल्दी करो प्रीशा, डू इट फास्ट, लेट हो रहा है। मेरी प्रीशा के स्कूल से आ गए हैं और वहाँ पे मतलब जब भी वो होते हैं, क्या बोलते हैं, यूटी होते हैं या एग्ज़ाम होते हैं, अभी हम तो वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग होती है PTM, और हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि प्रीशा हमारा पहला बेबी है और फर्स्ट टाइम वो स्कूल जा रही है और ये फर्स्ट ईयर है उसका। तो यूटी के बाद भी PTM हुआ था, उसमें भी मैं और अमित गए थे, लेकिन हाफ ईयरली अब उनके हो गए हैं और आज PTM था तो गए हम। और प्रीशा के उन्होंने एग्ज़ाम की बुक्स दिखाई हैं, सॉरी जो उसने किया होगा पेपर वगैरह, तो अच्छा किया है, नॉट बैड। जिस हिसाब से वो पहले कभी स्कूल नहीं गई है तो अच्छा किया है। बस उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो राइटिंग नहीं करती, मतलब लिखने के लिए मैम बोल रही थी, बोलती है कि मैम मैं बोर हो गई हूँ। उसको थोड़ा पर्सनल अटेंशन की जरूरत, ज़्यादा आदत पड़ गई क्योंकि घर पे रहती है, तो मैं उसे बोलती हूँ प्रीशा करो ये करो वो करो, तो वो उसको पर्सनल अटेंशन की ज़्यादा वो पड़ गई है। मैम बोलती है कि उसको पर्सनली जाके बोलना पड़ता है कि प्रीशा ये करो वो करो। बाकी उसका ओरल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे स्टार उसको मिले हैं, सो आई एम हैप्पी फॉर कि हाँ ठीक है। तो जितना खुश हूँ उससे ज़्यादा अमित खुश रहते हैं, उसकी मिस्टेक पे भी बोलते हैं अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है ऐसे बोलते हैं। छोटी बच्ची तो ठीक है यार, मतलब हम चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, बर्डन ना पड़े, फ्री रहे वो। सो उसको चिल्लाना चीखना शुरू हो गया एंड कहता कि अगर आज उसने कुछ किया नहीं होगा तो भाई साहब आज वॉट लगने वाली है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो थैंक यू। चलो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अभी बज रहे हैं 10:30 यानी 11 बजने वाली हैं, 10:30 से ज़्यादा टाइम हो गया। तो चलो ब्रेकफास्ट करो, क्या खाओगे आप? रोटी? यार तो खेल ही तो रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? दो दिन आपने सैटरडे संडे दो दिन आपने खेलना ही तो है। आज तो मेरी कुछ छुट्टी है। क्या बोला प्रीशा, क्या बोला आपको हुँ? क्या बोला मैम ने? मैम ने क्या बोला पहले बताओ? नहीं नहीं करना। घर पे पढ़ाई करना, ठीक है, ऐसा बोला है ना? तो ठीक है, थोड़ी देर आप प्ले करोगे उसके बाद पढ़ाई करोगे, ठीक है, पर पहले कुछ खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो। दूं आपको आज भिंडी की सब्जी और रोटी। यार बच्चा एक बाइट तो खा लो, देखो ये इसको खिला दो, एक बाइट ले लो प्रीशा, प्लीज प्लीज आप मम्मा का दिया नहीं खाओगे? प्लीज आप खाओ पहले, अगर आपने नहीं खाया मैं कट्टी हो जाऊंगी आपसे, मैं कट्टी हो जाऊंगी। 1 2 3 आप प्लीज, वन बाइट बस, वन बाइट मुझे अच्छा लगेगा। मम्मी मेरी बात क्यों नहीं सुनते?
सुन तो रही हूँ। ये ले ये ले, वो तो खा ही नहीं रहा। कहाँ खा रहा है? नहीं खा रहा यार, आप खा लो ये लो एक बाइट प्लीज। ननू वाटर बॉटल लेके आ जाओ। मैंने थोड़ा सा पिया था। थैंक यू बच्चा। तब वो निकल गए। ले लो एक बाइट और ले लो प्लीज। मम्मा अब आप खा लो ठीक है? मैंने खा लिया एक। सो फाइनली खाना वाना मतलब दिन का लंच वगैरह हमने कर लिया है। और यार आसमान इतनी बारिश हो रही है ना दिल्ली में, तो पता नहीं क्या हो गया आसमान को, बहुत ज़्यादा मतलब बारिश रुकने का ना नाम ही नहीं ले रही है। और अमित बहुत परेशान है क्योंकि उनका काम डिस्टर्ब हो रहा है ना बारिश में बहुत ज़्यादा। सो अभी बज रहे हैं 2 बज गए हैं, जस्ट लंच वगैरह हमारा फिनिश हुआ है। और अब मैं थोड़ा प्रीशा को सुलाती हूँ क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, तो जब वो अभी दिन में रेस्ट करेगी तो शाम को ट्यूशन के लिए उठ जाती है, अदरवाइज़ वो ट्यूशन जाने के लिए उठती ही नहीं है 5 बजे, मतलब वो सो ही रहती है आराम से। तो पहले उसको सुला देती हूँ। और आज का दिन क्या होगा, मतलब वही बिज़ी रहता है मेरा, तो मतलब मोस्ट ऑफ द बिज़ी रहता है। अब जो मेरा टाइम बचता है थोड़ा सा खुद के लिए, वो मेरा खुद के लिए भी नहीं होता, तब तक मेरे को अमित की हेल्प करनी होती है, फिर ऐसे चला जाता है टाइम पूरा। ये क्या कर रहा? चलो हाँ सोचो सोचो बच्चा, शाम को ट्यूशन जाना है ना। बाय, गुड नाइट। मुझे आपसे प्यार करना है। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है यार, अभी इवनिंग टाइम, इवनिंग यानी मतलब 7:30 हो रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। 3 hours later. हेलो गाइस, अभी हो रही है रात की, हम घर आ चुके शॉप से और एटलीस्ट 11:30 मतलब 12 बजने वाली है, 11:42 टाइम हो गया है। थोड़ी देर पहले अभी खाना वाना कराया है, डिनर वगैरह खाया है, देन अभी बैठी हूँ। तो प्रीशा भी अभी तक सो ही नहीं है, वो हमारा वेट कर रही होती है। और थोड़ा सा उसकी डांट भी लगी अभी क्योंकि अपने पापा को बोल रही थी कि पापा आपका दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसे बोलती है, जैसे किसी को सुना होगा ना बोलते हुए वही चीज़ कॉपी करती है वो। तो थोड़ा सा उसको डांट लगी है, फिर वो अंदर चुपचाप गुस्से में चली गई पापा के साथ अपने। सो अभी सोते हैं, बस नींद आ रही मेरी आँखों में, तो मतलब ऐसी नींद दिख रही है, थक जाते हैं यार क्योंकि शॉप पर टाइम नहीं मिल पाता और बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो मतलब ब्लॉग भी कंटिन्यू करने का मुझे टाइम नहीं, क्योंकि बहुत बारिश थी, मैंने सोचा था आज मैं मार्केट जाऊंगी, थोड़ी सी शॉपिंग करूंगी क्योंकि मम्मी और उन्हें शादी में जाना है नेक्स्ट मंथ के मतलब ये 2-3 तारीख को, तो फिर टाइम नहीं मिल पाया। सो बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। तो आज के लिए रखती हूँ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय।